जो इंदौर के राजवाड़ा के बगल में है। ये जो ईटरीज है, नहीं, व्हाट इज द वर्ड, हाँ, बोले भैया, इंदौर का फेमस नवीन कोकोनट क्रश भैया, एक ही नाम है सरापे में। अगर इंदौर आओगे तो एक जगह है जहां सबसे अच्छा खाना मिलता है, जो कभी भी मिस नहीं करनी चाहिए, वो है सराफा बाजार। सराफा बाजार एक नैरो स्ट्रीट है, ये जो गली है ना, यहां दिन में ज्वेलरी शॉप रहते हैं क्योंकि सराफा का मतलब है ज्वेलर, और रात को जैसे ही दुकानें बंद हो जाती है तो यहाँ खाने के ठेले लग जाते हैं। यहाँ 40 सालों से इकोनिक स्टॉल्स है जहाँ दही बड़े, भुट्टे की किस, जलेबी सब मिलता है। चलो घुसते हैं इस गर्दी में, इस भीड़ के अंदर, ढूंढते हैं खाना और इंदौर और सराफा बाजार का मजा लेते हैं और पूछते हैं कि भैया खाने में क्या है। ये है जोशी दही वड़ा हाउस और हम आए हैं, सॉरी मैडम, इफ यू डोंट माइंड, मैं आया हूँ यहाँ दही वड़ा खाने, लेकिन इतनी भीड़ है तो मैं सोच रहा हूँ कि सर मैं यहाँ अंदर आ जाऊँ क्या, थोड़ा अंदर आ जाऊँ, जल्दी आ जाता हूँ मैं। सो ये भीड़ से मैं गुजर के यहाँ पहुँचा हूँ जोशी के पास, जो जिनका दही वड़ा सबसे फेमस है। आदेश जी, कैसे हो आप? आपकी कृपा है, मालिक की कृपा है। मैं आपको ना थोड़ा सा दही टेस्ट करवाता हूँ। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ दही नहीं देते, ग्रीन अक्षर में लिखा है। हाँ, ग्रीन अक्षर में यहाँ दही नहीं बेचा जाता है। कुछ क्यों दे रहा हूँ? हाँ, सिर्फ दही दे रहे हो? क्यों दे रहा हूँ? क्यों दे रहे हो? शबरी बेर नहीं बेचती थी, कहती प्रभु खाएंगे दही, दही प्रभु खाएंगे। अरे मेरे मालिक, आनंद आ गया। तो ये अगर दही नहीं है तो क्या है? गुलाम की शहनशाह से मोहब्बत है मालिक। अरे वाह, तो बहुत आते मालिक आए। मालिक है ही है। अब हम देखेंगे दही वड़ा यहाँ कैसे बनता है, क्योंकि स्पेशल बनता है यहाँ। सो द टेक्निक ऑफ मेकिंग दही वड़ा इज वेरी डिफरेंट। वंस मोर अब है ना, कैमरा नजदीक लाओ, मसाला डालो, हल्का सा, ये नमक, ये लाल मिर्च, ये काली मिर्च, ये जीरा, ये एक ही हाथ से एक ही उंगली से। अरे वाह, ये आपके हाथ में से कभी गिरा है क्या? नहीं गिरता। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं फेंकने की कोशिश करूँगा तो गिर जाएगा, कपड़े खराब हो जाएंगे। बड़ा पीस ले रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ब्यूटीफुली ठंडा है, मीठा है। दिस इज अनबिलीवेबल। फर्स्ट द टेक्निक इज फैसिनेटिंग, और उसके बाद इसका टेस्ट इतना अच्छा है। द होल फाइट टू गेट हियर इज वेल वर्थ इट। चलो नेक्स्ट प्लेस, लेट्स हेड आउट। कम ऑन, ये सावरिया की जो छोले टिकिया है, आप भीड़ को देखकर ही पता चलेगा कि ये क्यों इतनी फेमस है। इससे बेहतर छोले टिकिया कहीं नहीं बनती। अभी मैं कोशिश करने वाला हूं एक हाथ प्लेट मांगने की, एक हाथ प्लेट। सर जी, हाँ आप बोलो, क्या खाओ? छोले टिकिया खाओ ना, छोले टिकिया खाओ, सबसे बेस्ट। ठीक है, तो ये टिकिया आप ऐसे उसको स्मैश करते हो? है दबाएगा, हाँ, तो फिर वो ऐसे स्प्रेड आउट हो जाती है। अरे वाह, सबर का फल मीठा होता है। ये जो आलू की टिकिया है, पहले तो पूरे तले हुए हैं और फिर उनको ऐसे दबाते हैं ताकि सब माल मसाला अंदर जाए।
बढ़िया नंबर वन मजा आ गया। मिक्स करो ज्यादा मजा आ। मैं वही करने मिक्स करो ऐसे वही देख रहा था कि इसमें पनीर भी है, तला हुआ पनीर है। ये मीठी चटनी, तीखी चटनी, अमूल घी में हो रहा है, अमूल घी में हो रहा है सब, और फिर ऊपर ये सेव। थैंक यू जी, नमस्ते, आपको मिले मजा आ गया। सराफा बाजार का फेमस नवीन कोकोनट क्रश, अभी प्यास लगी है और ये जो हमारे कोकोनट वाले हैं वो कुछ मजा करके दिखाने वाले हैं और फिर मैं ये कोकोनट पीऊंगा। चलो दिखाओ, बनाइए जो आपका पिलाया तोड़ के जाना नहीं छोड़ के। अरे बाप रे, यहां खड़ा हूं ऐसे देखो। हां इंदौर का फेमस नवीन कोकोनट क्रश एक ही नाम है सराफे में। स्पेशल इंदौरी मलाई का तड़का लगा हुआ है। इंदौरी मलाई का देख रहा था मैं। चीयर्स नवीन भाई। चीयर्स। It's great to wash down all the food that you eat at Sarafa Bazaar. It's great, but the drama behind making this is even greater. What can I say? Coconut water with coconut and malai, coconut malai, all mixed together. अरे आपके पास तो बहुत पैसा है लगता है। हाँ क्यों, कृपा बाबा महाकाल की पैसे ही होना सब कुछ थोड़ी है। अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात है, पैसा कब कह रहा होगी बुरी बात है। कृपा के बिना आनंद मेरे पास इतनी है बस, और कुछ नहीं है। मालिक मैंने दिखा दिया, आपने छुपा रखा होगा। आप बहुत अच्छे दिखते हैं। एक तो आप ये जो आपका जो अभी खिलाएंगे क्या मुझे आप? हमारा एक तो फेमस है मटका कुल्फी। अच्छा? और एक शाही फालूदा। शाही फालूदा। हाँ। मटका कुल्फी में मेरे पास 18 फ्लेवर रहते हैं। हाँ। केसर, मैंगो, सीताफल, काजू, केवड़ा, पान, गुलाब, गुलकंद, जामुन, अंजीर, बादाम। हाँ। और उसके अलावा फिर जो सीजनेबल फल आता है। हाँ। उस फल की कुल्फियाँ नेचुरल बनती है। हाँ। और शाही फालूदा बनता है। हाँ। जिसमें कुल्फी, रबड़ी, आइसक्रीम सब। तो शाही फालूदा हो जाए क्या कहे, एक नंबर का शाही फालूदा। और उसमें भी बात है, अगर अच्छा लगा तो आपका, खराब मेरा। नहीं अच्छा लगेगा, क्यों नहीं अच्छा लगेगा, इतना नाम है आपका, आपका इतना नाम है। चलो चलो आ जाओ आ जाओ सर जी। हाँ ये फालूदा की सेवैया है। सेवैया मसाले की बनती है। हाँ। और ये केसर या रबड़ी है। केसर, केसर या रबड़ी। फिर डाल रहा हूँ ये सब्जा। सब्जा पूरा फुला हुआ है सब्जा, इसको तलाना पड़ता है। आइस का मटका बोलती है। हाँ। रोज शरबत डालना। रोज शरबत, थोड़ा सा आइसक्रीम, हल्का सा आइसक्रीम इसलिए डालता है टेस्ट को। टूटी फ्रूटी। हाँ। शेरी पुराने मतलब क्या है कि हेमा मालिनी बोलते हैं। अच्छा, इनको हेमा मालिनी बोलते हैं। पुराने हमारे स्कूल की टाइम टेस्ट पे हेमा मालिनी बोलते थे। अच्छा, रेड और ग्रीन हेमा मालिनी। ये रोज शरबत। रोज शरबत, खस का शरबत। और खस का एक आना नाम के लिए भी। अरे वाह, इत्तर जो मेरा शौक है। अच्छा, सुपर्ब।
लीजिए सर। सर जी थैंक यू वेरी मच। ये है शाही फालूदा केसर पिस्ता कुल्फी। मैं एक टेस्ट मारता हूँ पहले। इट्स रिच, इट्स डिलिशियस, इट्स कोल्ड, इट्स गॉट मल्टीपल टेक्सचर्स। मजा आ गया सर जी, मजा आ गया। और आते रहिए, खाते रहिए और पूछते रहिए कि भैया खाने में क्या है। इसको उपयोग करने से बॉडी बिल्डर मेरे जैसे, मेरे जैसे, मेरे जैसे आपके जैसे, सेम थिंग ओके यस। अब ये बोलोगे 50 ग्राम से लेके 1.5 किलो तक का पीस ये बना सकता है सेम नाना। आपने सुना 50 ग्राम से करके 1.5 किलो का एक पीस। तो हम कुछ बोलते नहीं, ये करने दीजिए इनको जो करते हैं। मुझे लगा।